जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जो गोल्स और ड्रीम्स जो आपने अपने लिए डिसाइड किए हैं, आप उन पे आगे बढ़ रहे हो, आप उनको अचीव भी कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, तब तो कोई भी बहुत अच्छा फील कर सकता है। तब तो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। जब ज़िंदगी आपके प्लान के हिसाब से चल रही होती है, आपने जो भी सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है, तब तो सब कुछ सही लगता है। लेकिन तब क्या करोगे, तब आपका काम में मन नहीं लगेगा। तब आप क्या करोगे, आपका मेंटल प्रेशर आप पे इतना हावी हो जाएगा कि आपको सब कुछ छोड़ देने का मन करेगा। क्यों आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी बड़ी अचीवमेंट पाना चाहते हो तो इनकी में सब कुछ आपके हिसाब से होता है, जब या आ चुका है या फिर अभी, या आप उस फेस में अभी हो। यही फेस सबसे मुश्किल होता है, यही फेस डिसाइड करता है कौन कामयाब होगा, कौन सफल होगा, ना कामयाब होगा या असफल होगा। इसी फेस में आपको पता चलता है आप अपने ड्रीम्स और गोल्स के पीछे कितना सीरियस हो चाहते हो, इतनी शिद्दत से चाहते हो। भी होनेस्ट, यहाँ कोई भी आकर कुछ भी नहीं कर सकता। इस फेस से निकलने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, खुद पर बिलीव चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर कुछ कमी है तो उसे आए कितनी बार भी फेल हो जाऊं, तब तक मैं सक्सेस नहीं होता, तब तक मैं ट्राई करता रहूंगा। आप अपने चाहे जो भी कुछ करना पड़े, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। मुझे हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन मैं खुद को बेटर बनाऊंगा। इसी डिटर्मिनेशन, यह सिर्फ वही इंसान पीछे जो अपने सपनों के पीछे सब कुछ त्याग देने को तैयार है, जिसके लिए उसके सपने सांस लेने जितने जरूरी होते हैं, सिर्फ वही इंसान इस फेस से बाहर निकल सकता है और वही सफल हो पाएगा। और यही स्किल्स जो है वही सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन फोकस करना। आप चाहे कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपकी इंटेलिजेंस कितनी भी हाई क्यों ना हो, अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, तभी आप उस पर काम कर पाओगे, उन सबको पूरा कर लोगे। चाहे आपके जो भी सपने हो आप उनको पूरा कर लोगे। अगर वीडियो में कही हुई बातों से